आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर टू करने वाले हैं आर्ट्स अग्रवाल एक्सरसाइज टू पॉलीनोमियल क्लास नाइन की बुक से, आर्ट्स अग्रवाल की बुक से। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, और इससे पहले के एक्सरसाइज का चैप्टर का हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन वो सब मैंने करवा रखा है। अगर आपको कहीं भी किसी एक्सरसाइज से किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जाके नंबर सिस्टम क्लास नाइन का हम सबको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। तो देखो डियर, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है मैं क्या कि क्लासीफाई द फ्लोइंग एज कॉन्स्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक। देखो यहाँ पर बुक में जो है थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं होगा, बाय क्वाड्रेटिक होगा, इट इज़ बाय क्वाड्रेटिक, तो बुक में मिसप्रिंट होगा, ठीक है। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक ऑलरेडी आ चुका है, तो दिस इज योर बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो मैंने अपने पहले ही दिन के क्लास में मैंने आपको बताया है इसका जो बेसिक्स है, अगर नहीं देखा है ना भाई तो जाके देख लेना, क्योंकि उसी से ये वाला एग्जांपल बनने वाला था। अगर आपने उसको देख लिया है तो ये आपको यहाँ पर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उसमें हमें बोल रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा लीनियर पॉलीनोमियल, सब बताया हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या है, सब बताया हुआ है। तो हमको सिर्फ बताना है इसमें से कि कौन सा क्या है। तो आइए अब मैं आपको ऑरली फटाफट बता रहा हूँ। देखो पहला नंबर जो है हमारा, तो देखो कोई भी वो मतलब कौन सा पॉलीनोमियल है उसको पहचानने के लिए, यानी कि डिग्री के बेसिस पर बात होती है, तो उसको पहचानने के लिए हमें मालूम है कि क्या करते हैं हम लोग, उसका पार देखते हैं, पार देखेंगे और बताएंगे हम लोग कि कौन सा है हमारा। तो जितना पार होगा वो उसी हिसाब से उसको हम लोग उसको बोलेंगे। तो देखो इस पहले वाले में जो मैक्सिमम पार है वेरिएबल का वो 3 है, तो मैक्सिमम पार 3 है, तो इट मीन्स दैट ये क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया। तो पहला का आंसर हो गया क्यूबिक। तो देखो फर्स्ट का जो आंसर है वो क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। चलो दूसरा का जो आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा देखो ये, तो इस पर वेरिएबल पर पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये हो जाएगा आपका बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में तो है 2, बाय क्वाड्रेटिक में मतलब 4, तो दूसरा का हो गया हमारा बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलीनोमियल। तीसरा का हमारा हो जाएगा कहाँ चला गया, तीसरा है हमारा क्या ये, तो इसमें देखो तो आप यहाँ क्या है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो मैक्सिमम पार कितना है 2 है, तो ये फिर क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल के लिए मैं इसी को कर दे रहा हूँ ना पॉलीनोमियल। चौथा देखो फोर्थ में अगर हम देखें तो ये देखो ये हमारा एक्स का कोफिशियंट है, तो इसको नहीं देखना है हमको, सिर्फ वेरिएबल को देखना है, तो वेरिएबल हमारा एक्स है, तो इस पर पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है पावर, तो कितना हो गया ये, जब पावर 1 होगा तो क्या कहलाएगा हमारा, वो लीनियर कहलाएगा, 1 पावर वाला कहता है लीनियर। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा लीनियर पॉलीनोमियल। चलिए फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ में देखो वेरिएबल में पावर 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक, तो फिर 3 का हो गया क्यूबिक पॉलीनोमियल। सिक्स का नंबर देखो, सिक्स में क्या है हमारा 3, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल कुछ नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल है, चाहे आप एक्स रखो, वाई रखो, जेड जो रखना रखो, मगर उस पर पावर 0 है। जब वेरिएबल पे पावर 0 होगा तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, हमें मालूम है किसी भी वेरिएबल पर पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, ये 1 हो जाएगा हमारा, तो 1 × 3 से 3 बचेगा हमारा, तो ये यहाँ पर है, और ये क्या कहलाएगा हमारा, कॉन्स्टेंट कहलाएगा, ऐसे को हम लोग बोलते थे कॉन्स्टेंट, याद करो, तो ये कहलाएगा हमारा कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हमारा सेवन नंबर बोल रहा है कि टी, यहाँ पर देखो पावर कितना है हमारा, स्क्वायर है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉइंट ये हो जाएगा हमारा, तो 7 नंबर हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। चलिए 8 नंबर में देखो, 8 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर वेरिएबल में पावर मैक्सिमम कितना है 1 है, तो 8 कैंसिल हो गया हमारा लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है। फिर देखो 9 नंबर, यहाँ भी जो आपका वेरिएबल टी है, तो इस पर पावर कितना है, मैक्सिमम मेरा 1 ही है, तो ये भी 9 नंबर भी हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलीनोमियल, ये भी हमारा लीनियर पॉलीनोमियल हो गया। तो इसका जो आंसर था वो हमारा हो गया डन, यही हमें सिर्फ बताना था और कुछ भी नहीं करना था, कि डिग्री के बेसिस पर हमें सिर्फ बताना था कि कौन सा पॉलीनोमियल का नाम क्या होगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे के सारे जो था बेस था आपको मेरा पहले वाले जो वीडियो जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो करवाया था उसी पे बेस था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लेना, एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा
प्लेलिस्ट लगा दूंगा, तो प्लेलिस्ट पे देख लेना, आपको सारा का सारा मालूम चल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ की एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे इसी एक्सरसाइज का। टिल देन बाबा, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें। जय हिंद, जय भारत।